हमने तो पूरे देश को जोड़ने का कार्य किया है और ये चुनाव हमारे लिए केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं है, ये चुनाव हमारे लिए बंगाल के नौजवानों को रोजगार देने का माध्यम बनेगा, ये चुनाव हमारे लिए यहाँ के हर नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का माध्यम बनेगा, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का, महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाने का और बंगाल को सोनार बंगाल की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए यह चुनाव हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव है। बंगाल की अस्मिता, बंगाल के समृद्ध बंगाल के रूप में, सोनार बंगाल के रूप में बंगाल को आगे बढ़ाने का एक अभियान है और उस अभियान में आप सबको सहभागी बनाने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। जो लोग दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करते हैं, मां सरस्वती की पूजा को प्रतिबंधित करते हैं, वे लोग बंगाल की धरती में टिक नहीं पाएंगे। ममता दीदी तो पहले जय श्री राम को प्रतिबंधित करने का प्रयास की, लेकिन मैं आपका अभिनंदन करूंगा कि आप सबने जय श्री राम का नारा ही हर जवान से निकलना लग गया है। मैं हर यहाँ के नौजवान के मुंह से, हर बुजुर्ग के मुंह से, हर माता और बहन के मुंह से जय श्री राम का नारा इस समय सुन रहा हूं। यही तो राम की महत्व है। हमने कभी भी इसमें भेद नहीं किया और राम तो सबके हैं, लेकिन दीदी कहती है कि राम का नारा क्यों लगेगा, जय श्री राम के नारे क्यों लगेंगे।